सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे 6 अल बेत अल दिमश्की के परफ्यूम्स जो क्लोन्स मेकिंग में बहुत ही टॉप क्लास माने जाते हैं। मैंने इंग्लिश चैनल पर इन 6 के फुल रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल पर देख लीजिए, या फिर मैं उनके वीडियो लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर बहुत ही टॉप क्लास क्लोन्स बनाते हैं, क्वालिटी में एकदम टॉप क्लास। अगर आप अरमाफ और लताफा के परफ्यूम्स को कंपेयर करेंगे क्लोनिंग के मामले में, अल बेत अल दिमश्की के क्वालिटी एकदम टॉप पे ही रहेगा। तो आज मैं 6 परफ्यूम्स का शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू बनाने वाला हूं। इन 6 परफ्यूम्स के बारे में पता लगे तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो इंग्लिश चैनल पर देख सकते हैं। तो 6 के 6 परफ्यूम्स एकदम बढ़िया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से, मेरे पर्सनल फेवरेट के हिसाब से नंबर 1 से शुरू करूंगा, क्योंकि 6 के 6 जैसे मैंने कहा क्वालिटी में एकदम टॉप नॉच। आज तक जितने भी मैंने क्लोन्स ट्राई किया हूँ, अल बेत अल दिमश्की को टॉप नॉच ही कहूँगा। और भी थोड़ा बहुत ट्राई करने वाला हूँ, अभी तक स्टॉक आए नहीं है। जब भी आएगा मैं उसका फुल रिव्यू इंग्लिश चैनल पर कर सकता हूँ। लेकिन शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। अगर आपके कोई बहन या कोई दोस्त हैंडवर्क सलवार में इंटरेस्ट रखते हैं और खरीदना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना। बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल्स बनाते हैं और सिर्फ हैंडवर्क मटेरियल्स पे ही ध्यान देते हैं कि लेबर कॉस्ट हैंडवर्क मटेरियल का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो आपको 2000 से स्टार्ट होगा और 8000 तक भी हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैंने लाइव भी देख चुका हूँ। तो अगर इंटरेस्टेड है तो आप खरीद सकते हैं, या फिर आपके कोई दोस्त या बहन जो भी है उनको फॉरवर्ड कीजिए ये इंस्टाग्राम वाला लिंक। तो चलिए परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे आएगा एक्वाडी जियो प्रोफोंडो। ठीक है, ये एक्वाडी जियो प्रोफोंडो का क्लोन है जो ओरिजिनल कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन उसका बॉटल थोड़ा सा डार्क ब्लू नेवी ब्लू टाइप है। ये प्रोफूमो है, ये प्रोफोंडो का क्लोन है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो प्रोफूमो और प्रोफोंडो में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बस फर्क इतना है कि प्रोफोंडो जो है ओरिजिनल, वो एक्वाडिजियो ईडीटी और प्रोफूमो का एक फ्यूजन या फिर एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे के बाद प्रोफोंडो जैसे ही लगेगा, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, लेकिन 2 घंटे के बाद ये महसूस होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है दोस्तों। क्वालिटी में एकदम बढ़िया ही कहूँगा, क्योंकि ये आता है आपको 2500, जो भी 6 परफ्यूम्स हैं आपको 2500 2600 के बीच में ही मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे। ये 75 ml का ही आता है, 100 ml का नहीं आता है, तो ये भी ध्यान रखना। अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं तो एकदम हाफ प्राइस में ही आता है, और इस तरीके का क्वालिटी अगर हाफ प्राइस में मिल रहा है तो कुछ सोचने की बात है ही नहीं। बस आपको बॉटल का डिजाइन का फर्क लगेगा, बाकी क्वालिटी में एकदम टॉप नॉच। हाँ, लेकिन परसेंटेज वाइज मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ 100% सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं, जैसे मैंने कहा, ये आपको 85% तक सिमिलर लगेगा, लेकिन 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ही आपको एक्वाडिजियो प्रोफोंडो का सिमिलैरिटी महसूस होगा, लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ही तगड़ा परफ्यूम है, मुझे 2-3 बार इसमें कॉम्प्लीमेंट मिला था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। तो फ़र्क यहाँ पे बस इतना है कि वो पचुली का जो नोट है प्रोफोंडो में, वो वाला यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, बाकी जितने भी एक्वाटिक सिट्रस नोट्स है एकदम सिमिलर ही लगेगा। नंबर 2 जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो होगा अल बेत अल दिमश्की का लाइट ब्लू फॉरएवर। ठीक है, लाइट ब्लू फॉरएवर ओरिजिनल कुछ इस तरीके का आता है, लाइट ब्लू फॉरएवर। तो लाइट ब्लू फॉरएवर का एकदम बढ़िया क्लोन मैंने आज तक जो ट्राई किया हूँ वो है अल बेत अल दिमश्की का, लेकिन परसेंटेज वाइज मैं अभी भी कहूँगा कि 80-85% ही लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो वेटिवर का नोट है वो एकदम अलग लगा मुझे। यहाँ पे वेटिवर का नोट उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन बर्गमो का जब क्वालिटी है बहुत ही जूसी, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही टेम्प्टिंग टाइप है, एकदम बढ़िया क्वालिटी लगाए हैं, लेकिन आपको वेटिवर का नोट यहाँ से अगर कंपेयर किए तो सिमिलर नहीं लगेगा। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसका बहुत तगड़ा है, मुझे 3 घंटे के बाद भी 3 फीट दूर से कॉम्प्लीमेंट मिला था इस परफ्यूम से।
तो अगर आप समर के लिए एकदम बढ़िया परफॉर्मिंग सिट्रस बर्गमॉट फ्रेग्रेंस करते हैं तो ये आपको जरूर ट्राई करना पड़ेगा। नंबर 3 पे आएगा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है ईस लोरो वाई ओ द परफॉर्म का बहुत ही बढ़िया क्लोन अल्बेत अल दिमस्की से। ये जितने भी मैंने आज तक YSLY ओ द परफॉर्म का क्लोन ट्राई किया हूँ, लताफा फकर या पेंडोरा का वाई बियॉन्ड, दोनों में से ये सबसे बढ़िया लगा मुझे क्वालिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, अगर आप एकदम बढ़िया क्लोन ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपको ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। ग्रीन एप्पल सेज और बेज में आपको थोड़ा सा वुडी मस्क का भी फील देगा, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी से बनाए हैं। नंबर 4 पे आएगा ब्लूडी शैनल का एकदम बढ़िया क्लोन, लेकिन ये EDT की तरफ से ज़्यादा मिलता है। ये मेरे पास जो भी है वो ब्लूडी शैनल का ओ द परफॉर्म है, तो इसको मैं ओ द परफॉर्म जैसा नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सिमिलैरिटीज तो है ही, तो EDT से ज़्यादा मिलता है। आज तक जितने भी क्लोन्स मैंने ट्राई किया हूँ ब्लूडी शैनल का, ये सबसे टॉप नॉच क्वालिटी। अगर आपको याद है अरमाफ का ब्लू आइकॉनिक, ये भी एक EDT का क्लोन है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा मज़ा इसी से आया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिडल ईस्टर्न टच ज़्यादा दिए गए हैं। यहाँ पे एकदम क्लोनिंग वाइज एकदम ये ज़्यादा मिलता है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। मुझे 2 घंटे तक इसका परफॉर्मेंस और 6 से 7 घंटे तक इसका लास्टिंग भी महसूस हुआ बंद कमरों पर। नंबर 5 पे आएगा एक्वाडी जियो मैन। ठीक है, एक्वाडी जियो मैन, ये एक्वाडी जियो EDT का क्लोन है। ये भी आपको स्टार्टिंग में उतना क्लोज लगेगा नहीं, 1.5 से 2 घंटे के बाद एकदम क्लोज बनता जाता है, 80-85% ऐसे बनता जाता है, तो 2 घंटे के बाद आपको 85% सिमिलर लगेगा। वही सिट्रस जैस्मिन थोड़ा सा नेरोली एक्वाटिक सेम वाला फील देता है। एक्वाडी जियो का टिपिकल एकदम टॉप क्लास रिच अट्रैक्टिव क्राउड प्लीजर जो भी ब्लेंड बोलते हैं उसको वही महसूस होगा। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, 2 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन एकदम लाइट एरी और 6 से 7 घंटे तक इसका लास्टिंग। ठीक है, ओरिजिनल भी इससे ज़्यादा नहीं देता है दोस्तों, तो आपको ये बात समझना चाहिए और वो समझ के ही ले लेना। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान देते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करना। नंबर 6 पर जो लास्ट वाला पीस बचा है मेरे पास अभी तक जो अल्बेत दिमस्की का है, वो है लैनवी डिलोंग का सबसे बढ़िया क्लोन। ठीक है, लैनवी डिलोंग का सबसे बढ़िया क्लोन, लैनवी डिलोंग इसको कहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, डेट नाइट फ्रेग्रेंस कहा जाता है इसको। एक कार्डमम और लैवेंडर वाला ब्लेंड है, यहाँ पे भी आपको वही महसूस होगा, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये ओरिजिनल से ज़्यादा प्रोजेक्शन और ओरिजिनल से ज़्यादा लास्टिंग देता है। ये मुझे 12 घंटे तक लास्टिंग दिया था, ओरिजिनल मुझे 7 से 8 घंटे से ऊपर कभी भी नहीं देता है, 6 घंटे नॉर्मली देता है, लेकिन ये आराम से 12 घंटे तक मुझे महसूस हुआ था। बहुत ही तगड़ा लास्टिंग है इसका, प्रोजेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम लाउड 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन होता है, लेकिन मुझे बस क्वालिटी में ओरिजिनल से कंपेयर करता हूँ तो क्वालिटी में थोड़ा फर्क लग। सॉरी दोस्तों, मेरा कैमरे का बैटरी ख़त्म हुआ था तो मुझे फिर से चार्ज पे लगाना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि लैनवी डिलोंग जो ओरिजिनल है, इसमें जो कार्डमम और लैवेंडर का जो नोट है बहुत ही स्मूथ रिफाइंड है। यहाँ पे जो लैवेंडर का नोट थोड़ा सा रफनेस आपको महसूस होगा, तो ये फ़र्क आपको ज़रूर लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वालिटी ओरिजिनल से बेहतर है, लेकिन ये बात सच है कि इसका जो प्रोजेक्शन और लास्टिंग है ओरिजिनल से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ओरिजिनल थोड़ा लाइट एरी टाइप फ्रेग्रेंस है, 2 घंटे से ऊपर आपको प्रोजेक्शन महसूस नहीं होगा, ये 3 घंटे तक एकदम एविडेंट प्रोजेक्शन महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैवेंडर नोट है एकदम लाउड और थिक है और थोड़ा सा रफनेस भी है, यहाँ पे बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड, तो ये फ़र्क मुझे ज़रूर लगा। तो मैं क्वालिटी के मामले में इसी को बेहतर कहूँगा, लेकिन मार्केट में जितने भी क्लोन्स हैं लैनवी डिलोंग की, ये सबसे बढ़िया ज़रूर कहूँगा, परफॉर्मेंस के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में भी, क्योंकि इससे कंपेयर किया तो उतना रिफाइंड नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस में ये और भी बढ़िया है, 12 घंटे तक इसका लास्टिंग और 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन। तो ये हुआ 6 अल्बेत अल दिमस्की का शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू। अगर आप फुल रिव्यू देखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, इंग्लिश चैनल पर देख सकते हैं या फिर लिंक्स को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अगर आप इनमें से कोई भी परफ्यूम्स लेना चाहते हैं तो परचेज करने का डिटेल्स भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, ये हुआ 6 परफ्यूम्स अल दिमस्की का। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान देते हैं तो अल्बेत अल दिमस्की को आप जरूर ट्राई करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, और कमेंट्स में ये भी बताना कि अल्बेत अल दिमस्की अगर आपने ट्राई किए हैं तो इनमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में ये बात मुझे जरूर बताना। मेरा फेवरेट, जैसे मैंने कहा, प्रोफोंडो नंबर 1 और लाइट ब्लू फॉरएवर नंबर 2। ठीक है, आप अपना नंबर 1 और नंबर 2 मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, जुड़े रहिए चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।